हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैथ्स की एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन टॉपिक हमारा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी नाउ आई नो पहला सवाल आएगा कि एपी क्या है और हम ये क्या कर रहे हैं इस बात को एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक क्लासरूम में एक टीचर थे जिनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और सब स्टूडेंट्स से उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी सब ऑर्गेनाइज थे बढ़िया से क्लास में पार्टिसिपेट करते थे लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा था लेट्स से दिस वन जो स्टूडेंट तो बढ़िया था लेकिन उनकी क्लास का जो डेकोरम है उसके बीच में वो इंटरफेयर होती थी उसकी एक्टिविटी कैसे होती थी इंटरफेयर जब टीचर कोई सवाल पूछते थे तो ये स्टूडेंट ये जो लाल वाला है लेट से इसका नाम रख देते हैं सबसे कॉमन नाम हमारे सामने क्या आता है राम तो राम जो था वो हर सवाल का जल्दी जवाब दे देता था इससे टीचर बड़े परेशान थे टीचर वॉज लाइक एंग्री कि भाई ये क्या हो रहा है हम पढ़ा रहे हैं और ये बीच में धमाके से आंसर दे देता है तो इसी चीज़ को एक बार इतफाक़ क्या हुआ कि टीचर ने जब कुछ पढ़ा रहे थे उनका अपना एक टॉपिक अलग चल रहा था टीचर का अलग टॉपिक चल रहा है कोई तो राम ने वहां पे फटाक से जब आंसर दिया तो टीचर ने एज अ रिवोल्ट एज अ उसको बिजी रखने के लिए एक सवाल पूछ लिया उससे ऐसी और सवाल था ये वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके चार पाँच छः सात आठ नौ दस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ तक जितने भी नंबर्स आते हैं एक से सौ तक इन सब का सम बताओ टीचर ने राम को ये सवाल दे दिया ये सोच के कि मैं अब पढ़ा लूंगा अपना बढ़िया बाकी क्लास को और राम रहेगा बिजी इस सवाल में लेकिन राम ने 10 से 15 सेकंड के अंदर बहुत कम होते हैं 10 से 15 सेकंड, सौ नंबर्स का सम निकालना जिन लोगों ने ए नहीं पढ़ी है वो ये जानते हैं कि एक से सौ तक का सम निकालना इतना आसान नहीं है समय लगेगा एक से दस तक का भी सम निकालने के लिए कह दूं तो भी आपको आधा मिनट लग जाएगा एक मिनट तो उसने फटाक से एक से सौ तक का सम बताया टीचर को कि सर आंसर है फिफ्टी फिफ्टी विच मीन्स पाँच हजार पचास टीचर भौचक का कि आंसर कैसे आ गया पूछा राम से कि बताओ राम कैसे आया आंसर राम ने कहा सर बता दिया बस क्रॉस चेक किया उन्होंने अपने तरीके से समय लिया दो तीन मिनट तब जाके उनका आंसर आया और आंसर यही आया अब तो मज़ा ही आ गया टीचर ने अब राम से पूछा कि कैसे निकाला बताओ तो राम ने अब जो इंटरेस्टिंग बात कही वो सुनिएगा ध्यान से राम ने कहा आपने जो नंबर्स दिए हैं जोड़ने के लिए जोड़ने में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता जब आप कुछ नंबर्स को जोड़ते हैं जैसे कि वन प्लस टू प्लस थ्री तो इसका आंसर आता है छ एक प्लस दो तीन तीन प्लस तीन छः इसके ऑर्डर को अगर आप चेंज कर दें टू प्लस वन प्लस थ्री तो भी आंसर छ ही आएगा इसी लॉजिक पे राम ने कहा कि मैंने इनको इस ऑर्डर में नहीं जोड़ा है जिसमें पहले एक में दो जोड़ा तीन आया तीन में तीन जोड़ा छ आया छह में चार जोड़ा तो दस आया ऐसे नहीं जोड़ा उसने ऐसे बहुत समय लगता उसने यहां पे इन्फेक्ट किया गया उसने पहले नंबर को आखिरी नंबर से जोड़ा जिसमें उसका जवाब आया 101 और ये उसे इंटरेस्टिंग लगा तो उसने एक और यहां पे फिर से करके देखा दो को जोड़ा नाइनटी नाइन से जो सौ से पहले आता है अब यहां कुछ मजेदार हुआ दो प्लस नाइनटी नाइन भी आता है एक सौ एक इंटरेस्टिंग देखते हैं अब इंटरेस्टिंग हो गया कि यह सोचना कि क्या यह चीज आगे भी चलेगी चलो तो आपके मन में भी आंसर आ रहा होगा कि सर ये तो आगे भी चलेगी और जितना भी चलते जाओ चलती जाएगी एक और देख लेते हैं यह भी आ रहा है 101 अब एक सवाल आता है कि क्या यह पूरी श्रृंखला के अंदर चलेगा और चलेगा तो कहां तक चलेगा बता सकते हो यह चलेगा पचास तक इधर पचास आएगा सबसे एंड में अगर थोड़ा नीचे करके दिखा दूं इसको तो पचास तक चलेगा और पचास के साथ आएगा कौन सा इक्यावन यानी कि जैसे यहां पे दो नंबर के तो जोड़े हैं वो बन रहे हैं इसको हटा देते हैं पहले वाला तरीका तो पुराना हो गया राम ने कुछ नया बताया है तो टोटल अब कैसे होएगा 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101 ऐसा हम कितनी बार करेंगे चेक कर लो लास्ट ये पचास बार होगा एक से पचास तक चलेंगे और उधर सौ से इक्यावन तक आएंगे तो इधर के पचास नंबर उधर के पचास नंबर से पेर अप करेंगे जोड़ा बनाएंगे है ना कितनी बार बनेगा जोड़ा 101 बनता है कितनी टाइम्स हाउ मैनी टाइम्स फिफ्टी टाइम्स और इसको हम कह सकते हैं फिफ्टी इंटू वन जीरो इंटरेस्टिंग पहली बात तो ये वो बेस है मैं पूरा नहीं समझाऊंगा देखो बोरिंग नहीं करेंगे इसको यहीं पे छोड़ देता हूं बता देता हूं फॉर्मूला क्या है किसी भी इस तरह की श्रृंखला को आप ले लीजिए जिसमें नंबर से एक ऑर्डर में इंक्रीज होते हैं हर दूसरे नंबर का जो डिफरेंस है पहले से वो सेम है ऐसी कोई सी भी श्रृंखला ले लीजिए उसमें ये चीज काम करेगी उसमें पहले नंबर को नाम दीजिए ए विच इज द फर्स्ट और लाखरी आखिरी नंबर को नाम दीजिए एल विच इज द लास्ट टर्म ठीक फिर इसके पेयर्स देखिए कितने आए यहां पे पेयर्स कितने आए थे अलग से अगर मार्क कर दें इसको पेयर्स यहां पे आए थे पचास इसको कह दीजिए एन या फिर यहां पे चेंज होता है एक्चुअली जितनी टर्म्स हैं आपकी जैसे यहां पे सौ नंबर्स हैं तो इसको हम कह देते हैं एन और पेयर्स आपके कितने हो गए फिर एन बाय टू सौ नंबर है एन नंबर तो एन बाय टू पेयर्स एन बाय टू पेयर्स किसके हुए अगर हमें इन सौ नंबर्स का सम निकालना है सम ऑफ ऑल एन नंबर्स सम ऑफ ऑल एन नंबर्स जो हमारे आए उनका सम निकालना है तो कैसे निकालोगे देखो आप यहीं से फॉर्मूला बना सकते हो ये रहा फॉर्मूला सौ नंबर है तो सौ डिवाइड बाई टू पचास पेयर इन टू पहला प्लस आखिरी हंड्रेड एंड वन कैसे आया था पहला प्लस आखिरी आप कहेंगे सर कोई और भी ले लो तो ले सकते हैं पहला प्लस आखिरी भी ले सकते हैं ए प्लस एल द फॉर्मुला सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल वेरी इंटरेस्टिंग आज की क्लास इसी छोटे पोर्शन पर क्लोज करते हैं बताइएगा कैसा लगा यह एक्सपेरिमेंट अच्छी लगी तो आगे की क्लास भी करेंगे टॉपिक आप सजेस्ट करिएगा बाय नाउ